الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا هادي الله ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ایڈٹ لے سبحان اللہ بالکل ہی گم ہو گئی یعنی لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر پڑھیا کر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے اتنا دل اس آدمی دے دل دے اندر میرا تو آڈا تڑپ محبت اور حتیٰ کہ انہیں مینوں تہانوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کہہ کے بلایا اللہ اکبر اللہ اللہ سیالکوٹ دی سرزمین نے دو ہی علامہ پیدے کیتے نے ہاں جی اور وہ دوواں علامیاں نے پوری دنیا تے پوری روئے زمین تے اللہ دا دین سنایا اور کتاب و سنت دے مطابق انہاں لوگاں نے جناب اپنیاں عمراں کھپا دیتیاں اللہ اکبر ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کلہ کلہ کروڑوں بھاری انسان علامہ احسان علامہ احسان اللہ اکبر تو علامہ اقبال دا فرمان یاد آیا
फरमाते ने लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब ना मुकने वाली ना ख़त्म होने वाली। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो क़ुरब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे अरे इंसान जीने का करीना, तो सरवर कौलैन के फरमान पढ़ा कर। कौन कहता है कि हबीबे खुदा न कहो, कौन कहता है कि सरदार अंबिया न कहो। इंद नहीं समझ आती थी, इंद समझो। कहा है किसने हबीबे खुदा न कहो, कहा है किसने सरदारे अंबिया न कहो। यही फलसफा है कुल इल्लमा अना बशर, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा न कहो। खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा, तो आलम से आला हमारे मुहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तलवीर, नाल लग दे बात हो जावे। इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो जनाब मेरे साथियों ने मेरे भाइयों ने मुनक्कद की थी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ तवज्जो फरमाया जे, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तलवीरे, हुजूर आए तो टूटी जबरू महकुमी की जलजीरे, जमे जहनों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन नाल ना ते दहशत गर्दी आई, ना तूती आई, ना सुरंगी आई, ना ढोल आया, ना नचार आया। हुजूर दे आन नाल की आया तमद्दुन आया, तहजीब आई, अमन आया, करार आया। हुजूर आए तो आलम पे बहार आई, निखार आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हम्दु सना अल्लाह जल्ला जलालहू वास्ते, दुरुदो सलाम आकाए दो जहां पैगंबर आजम इमाम आजम और पूरी उम्मत मुस्लिमाद कायद आजम, मेरे और जनाब दे प्यारे आका सय्यदीना करीम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, पैगंबर कुल हादी उस सुबुल खातिमुर रसुल
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंज नहीं, एक बार दरूद दी फिर जनाब छल पा दियो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम वास्ते। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मोहतरम साथियो, साउंड वाले साथी, इंजीरा जरा इको बेशक थोड़ी कम कर दियो, ते ट्रैबल खोलो और वॉल्यूम थोड़ा जहा दे दो। अल्लाह ताला तुहाडे साउंड के अंदर बरकता फरमाए, तुहाडी जवानी अंदर, तुहाडी जिंदगी के अंदर अल्लाह बरकता नाजल फरमाए। प्यारे भाइयो, तवज्जो फरमाया जे। मेरे प्यारे भाइयो, मोहतरम साथियो, जीवकार उलमाए किराम, मुअज्जिज़ीने किराम, और जितों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, काबिल एहतराम माओ मुअज्जिज़ात बहनों, अजीज तलबाए किराम व मुअज्जिज़ात तालिबात, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपनी रजा रहमत नाल मेरा ना चीज़ अदना जे तालब इलम दा बयान करना, तुसा तमाम अहबाब दा समात फरमाना, मेरी हाजरी जनाब दी तशरीफ आवरी नूं अल्लाह अपनी बारगाह शरफ़ कबूलियत अंदर नवाजे। प्यारे भाइयों, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, भाई मोहम्मद शफीक साहब, भाई मोहम्मद अजहर साहब और भाई रिजवान साहब और असद साहब, हाँ जी, दीगर इन्हों के रुफाका ने, जवेद भाई और ने, हाँ जी, ये अज तो ये अज की नहीं दोस्ती साड़ी, ये साड़ी यारी तकरीबन तकरीबन मैं 2009 या 8 के अंदर इस तुहाड़ी मस्जिद के अंदर जो तुहाड़े खतीब मोहतरम, तुहाड़े इमाम मोहतरम मास्टर मोहम्मद यूनस साहब, सब कह दियो रहमतुल्लाही अलैह, मैनू हुणे ही पता चलिया, मैं आया वेख्या ते मैं पूछया, मैं क्या वो तुहाड़े बुजुर्ग खतीब किथे ने, कहिंदे कारी साहब साढ़े खतीब ते अल्लाह कोल चले गए ने, अपने मालिक हकीकी नूं जा मिले ने, वो ते बड़े सालों तो जनाब अल्लाह कोल चले गए ने। यारो, ये मुलाकातां, हाँ जी, ये मिलना गिलना, ये राबते, ये अल्लाह दी तरफों होया करदे ने, और कोई पता नहीं, हाँ जी, शायद के आइंदा वाली मुलाकात दे अंदर या आइंदा वाले प्रोग्राम दे अंदर मैं तुसी साढ़े चू कि ने दुनिया के अंदर जिंदा रहना है और कई ने अपने मालिक को चलिया जाना है। ये मुसाफिर खाना जेड़ा आया जान वास्ते आया है, बाहर कैफ अल्लाह पाक को दुआ करो अल्लाह मास्टर मुहम्मद यूनस की कबर ते करोड़ों रहमता दे नज़ूल फरमा दे। यारो, कुछ ना कुछ अज की कानफ्रेंस विचों सबक हासिल करना है, और इन्हों साथियों वास्ते जिन्होंने बजम सजाई, जिन्होंने महफल का इनेकाद किया, मेरी तुहाड़ी मुलाकात का सबब बने, अल्लाह इन्हों साथियों की अल्लाह जवानी के अंदर बरकता रहमता नाजल फरमा, और इन्हों के कारोबार के अंदर अल्लाह बरकता रहमता नाजल फरमाए। इस मस्जिद की पूरी कबीना, पूरी इंतजामिया, और इस तरह माशाल्लाह इस मस्जिद के नमाजी हजरात और तुसी सारियां नूं अल्लाह बरकता ही बरकता नाल हम किनार फरमाए। कह दियो आमीन, अपने वास्ते कह दियो, मौलवियों वास्ते चलो ढिल्ली कहंदे हो, हुण अपने वास्ते जरा टैड़ जी आमीन कह दियो, अल्लाह तुहाडे सारयां दा भला फरमाए, कह दियो आमीन। यारो, मुख्तसर जिहा बयान करना, लंबा चौड़ा वाज नहीं, क्योंकि वह खैरुल कलामी मा कल्ला बदल्ला, बयान बेशक थोड़ा होवे लेकिन जनाब दलाइल नाल भरपूर होना चाहिए। अजर भाई इत्थे मेरे कोल तशरीफ लियाओ यार, हाँ जी, तुहाड़ियां मुहब्बतां दरीना दोस्ती साड़ी अज तो 12 साल 13 साल कबल, बाहर कह अल्लाह मेरे भाई नूं सेहत वाली, तंदरुस्ती वाली, ईमान वाली अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह इन्होंने फिर साथियों ने याद फरमाया, बाहर कह प्यारे भाइयों तवज्जो फरमाया जे, अज दे इस प्रोग्राम के अंदर, इस मजलस के अंदर, इस पाक महफल के अंदर जो मैं जनाब की खिदमत अंदर अर्ज करना है, वो अर्ज करना है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया खसूसियात मुस्तफ़ा, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खसाइल व फजाइल दा तज़करा होएगा,
प्यारे नबी दी अजमत दा तस्करा होएगा, क्योंकि सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदरों सानू पता लगना चाहिदा है कि साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर वो केड़िया केड़िया खसूसियतां सन, केड़िया केड़िया खूबियां सन। अल्लाह ने कोई दुनिया दी ऐसी खूबी खूबी नहीं रखी जो मेरे मुस्तफ़ा अंदर अल्लाह ने मौजूद ना रखी हो। अल्लाहु अकबर। और कोई ऐसा गुनाह गुनाह नहीं जेदे तू मेरे पाक मुहम्मद नु अल्लाह ने महफूज ना फरमाया हो। अल्लाहु अकबर। हर एक छोटे बड़े गुनाह तो अल्लाह ने मेरे महबूब नु महफूज फरमा के रखिया। सारे जग दियाँ खूबियाँ मेरे मुस्तफ़ा दे अंदर अल्लाह ने जनाब रख छड़ियाँ और मेरे महबूब नु अल्लाह ने हर एक खूबी नाल माला माल फरमाया। आओ तवज्जो फरमाया जे, मैं बात शुरू करन लगा, मेरे नबी का नाम आएगा तो की कहोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते एक होर गुजारिश करांगा छोटी जी, जिन्हां साथियों ने जाना या जड़े आ बच्चे आपस के अंदर गप्पा गल्लां, हाँ जी एक दूजे नूं इशारे, ये सारा कुछ पुत्र बंद कर दो थोड़ी देर वास्ते। हाँ जी जितनी देर मेरा बयान सुनना ना, अगर इत्थे बैठना तो जंप करके बैठो, जिन्हां ने जाना हो जा सकते ने इजाजत, लेकिन बयान के दौरान ना स्टेज से कोई एक दूसरे के नाल गलबात कर रही है, कोई इशारे नहीं, कोई आपस के अंदर कोई जनाब गलबात नहीं, बस जम करके बैठो, अल्लाह दी अल्लाह ते उहदे रसूल दा तज़किरा सुनो, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जनाब दिलों के अंदर कुरान और सुन्नत दा प्यार लै करके बैठो। इन हिमाक दे नाल पूरी तवज्जो दे नाल, कोई बंदा इधर उधर नहीं, बस सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो होवे। हानी इंतजाम वाले इहतमाम वाले भी साथी माशाल्लाह जम करके बैठ जाओ। अल्लाह मेरा और तुहाडा सब दा इत्थे मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। प्यारे नबी का नाम आएगा, दरूद की छल पा देनी बार बार नहीं मैनू कहना पवे। और इस तरह सहाबिय रसूल दे नाम ते रदी अल्लाह तआला, और सहाबियात पिछू किसी का नाम आवे रदी अल्लाह तआला अन्हा। और इस तरह जनाब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दी अजमत दे अंदर शान दे अंदर कुरान पढ़िया जाएगा सुबहान अल्लाह। और जनाब अल्लाह दे किसी वली का नाम आवे ते रहमतुल्लाह अलैह किया जे, रहमतुल्लाह अलैह। ये जनाब दुआइया कलमे ने, दुआइया वज़ाइफ ने, सारे अपनी जुबान नू मुनव्वर और मुनत्तर रखिया जी। इन्हां नाल बाहर कह अल्लाह मैनू तुहानू सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। लो जनाब मैं बात शुरू करदा रे बिला तमहीद, तवज्जो नाल बैठो, अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे नाम ते इवें गज पा देनी दुरूद। इधर वेखना अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया, बात अरशा वाले रब दी या मदीने वाले मुस्तफा दी, साढ़े कोल गल्लां भी दो ही मिलन गईयां ना, या अरशा वाले खुदा दी या मदीने वाले मुहम्मद मुस्तफा दी। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। आओ फिर कुरान पढ़िए, ईमान ताज़ा होवे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया जी इन्नल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। फरमाया ए लोगो ईमान वाले हो, जो ईमान ले करके आए हो, जो अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान ले आए हो, ईमान दा दावा रखने वाले हो। फरमाया जनाब अल्लाह ते ओदे फरिश्ते मेरे नबी ते दरूद भेज देने ना। मैं आज हुजूर दियां खूबियां दा तस्करा करना है, ओदे विचों एक बहुत बड़ी खूबी मेरे पाक मुहम्मद ते दरूद पढ़ने वाली है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शुरू तो लैके मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे दौर तो लैके क़यामत तक आखिरी मोमन जब तक जिंदा रहेगा, आखिरी ईमान वाला जब तक जिंदा सलामत रहेगा ना, मेरे नबी दा नाम लैंदा रहेगा, हुजूर ते दरूद ओ सलाम पहुँचांदा रहेगा।
ये मेरे नबी की खूबी है ना। फिर मैं दलील नाल गल करा, अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल्लाह ते ओदे फरिश्ते सोने महबूब ते दरूद पढ़ दरूदो सलामतियाँ पढ़ते ने ना, दरूदो सलामतियाँ पहुँचाते ने ना। और ईमान वालों भी तस्करा होया है ना, अल्लाह करीम ने फरमाया है, फरमाया ईमान वाले हो मेरे नबी ता कलमा पढ़ने वाले हो, फरमाया सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ईमान वाले दरूद पढ़ो तुसी भी, मेरे महबूब ते ईमान जला दरूदो सलामतियां भेज दिया ने ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ते कुरान दी जनाब रू नाल कुरान पाक दे हवाले नाल। हुण आओ मेरे नबी दा फरमान भी सुनांदा चला जावा, मेरे और तुहाड़े प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन फसल्लल्लाहु अलैहि अशरन, फरमाया जड़ा मेरे ते एक मर्तबा दरूद पढ़दा है अल्लाह ओदे ते दस रहमतां दा नजूल भेजदा है। एक मर्तबा दरूद पढ़िया अल्लाह दस रहमतां दा आसमाना तो नजूल भेजदा है। और इत्थे ही बस नहीं है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया जड़ा बंदा दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर करदा होया मेरे नबी ते दरूद पढ़दा रहा, कसरत नाल दरूद पढ़दा रहा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा जितना मर्जी गुनहगार होएगा लेकिन दरूद दी बरकत नाल अल्लाह ओदी पेशा नीते अपनी कुदरत कामिला नाल लिख देंगे। अल्लाह फरमान गे ना कतबल्लाहु बैना ऐनैही बैना ऐनैही, उलमा दी मौजूदगी है ना, अल्लाहु अकबर कतबल्लाहु बैना ऐनैही बैना ऐनैही बराअतम मिनन। फरमाया ए ओ खुश नसीब बंदा है जड़ा दुनिया ते रहंदा होया मेरे नबी दा कलमा पढ़दा होया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़दा रहा है। अज दरूद दी बरकत नाल अल्लाह ने एदे ते जहन्नम दी आग नू हराम कर छड़िया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जे दरूद दियाँ बरकतां ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़ने दियाँ बरकतां ने ना। अलगरज मैं दसदा चला जावा, इत्थे ही बस नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जड़ा बंदा एक मरतबा मेरे ते दरूद पढ़दा है अल्लाह दस रहमतां दा नजूल भेजदे ने, जड़ा एक मरतबा दरूद भेजदा है दस मरतबा दरूद भेजदा है अल्लाह दस गुना मुआफ फरमा देंदे ने। अल्लाह पाक आसमाना तो जनाब दस रहमतां दा नसूल भेज देने ना, अल्लाह उदे दस गुना मुआफ फरमा देंदे ने, दस नेकियां लिखिया जांदियां ने, दस जन्नत अंदर अल्लाह दर्जे बुलंद फरमा देंदा है। दरूद दियाँ बरकतां। मेरे वीर मैं एक जनाब नो नुस्खा कीमिया दस जावा, शायद सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर मेरे वीर किसे दे दिलो दिमाग ते बात बैठ जावे, अमले दे ते तू कर लवी अल्लाह आसमाना तू रहमत फरमाएगा ना। मेरे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह है अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया जड़ा बंदा सुबह दी नमाज तो बाद दस मरतबा मेरे ते दरूद भेजदा है, दस मरतबा मगरब दी नमाज तो बाद दरूद भेजदा है, कल कयामत वाले दिन उस बंदे ते मैं मुअम्मत ते सिफारिश वाजब हो गई। मैं क़यामत वाले दिन ओदी सिफात करांगा, ओदी सिफारिश करांगा और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा लेगा। मेरे वीर जेदी सिफारिश मेरे महबूब करण वो बंदा भला कदों जन्नत मंदर जा सकदा है, ओदियां ते मौजां लग गईयां, ओ ते जन्नत दा मेहमान ते वारस बन जाएगा ना। अलगरज मैं दसना चाहना ना, फिर मैं जनाब तर्जमानी इस तरह क्यों ना कर जावा, मेरे उस्तादा ने रौदा रसूल ते खड़ो करके
इवें जनाब दरूद दे मुतलक चंद जुमले लिखे ने कमाल कर छड़िए ना। फरमांदे ने भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया, भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया, आया बन के तू रब दा इनाम सोहणिया। हुसन तेरे दी सोहणिया मिसाल कोई ना, विच दुनिया दे तेरे जिया लाल कोई ना, शहद नालू वध तेरा नाम सोहणिया। भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया, पत्तियां गुलाब घट तेरे रुखसार थी, पत्तियां गुलाब घट तेरे रुखसार थी, तेरी तशरीफ वध फुलां दी बहार थी, जग विचो खैरुल अनाम सोहणिया। भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया। हुण इन्हां शेरां ते इन्हां मिसरां ते वीआं मुकियां ने ना। फरमांदे ने उस्ताद जी, वत्तआ चेहरा लैल जुल्फां सुहां दियां, वज़ुआ चेरा लैल जुल्फां सुहां दियां, जग नालों सब नालों, जग नालों सब नालों, रब नालों नहीं, जग नालों सब नालों, सोना अम्मी ऐशा फरमा दियां, सोहणिया दा बणियो इमाम सोहणिया। भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। ए भी ते मेरे नबी दी खूबी है ना। मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम अगर जाबिर दी हांडी अंदर ला पा देना, लोहा मुबारक पा देना, मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम आटे दे अंदर लोहा पा दिता जावे, कई हजार जनाब कई सैकड़ों फौजी इवें जनाब उस खाने नू तनावल फरमान, ना रोटियां मुकण ते ना बोटियां मुकण दा नाम लैवण ना। फिर क्यों नहीं तर्जमानी उस्तादा ने इस तरह फरमाई है ना। फरमांदे ने जाबर दी आंडी विच लब जे तू पा देवे, सवा सेर दाणिया नू, सवा सेर दाणिया नू हाथ जे तू ला देवे, कईयां फौजियां लई खाणा होवे आम सोहणिया। भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोहणिया। अलगरज मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया, ईमान ताज़ा होवे, मैं अपना मजमून बयान करा। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे प्यारे नबी दे सहाबी हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया है ना। हजरत अनस तो ये रिवायत मौजूद है, मैं जो अल्लाह दा कुरान पढ़िया, वमा कान अल्लाह लियुअद्दिबहुम वअंत फीहिम, वमा कान अल्लाह मुअद्दिबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरा कुरान कितना प्यारा, मेरे बादशाह तू आप कितना प्यारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिस सोने नबी ते नाजल फरमाया ही, वो नबी कितना प्यारा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब दा कुरान की कह रहा है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे नबी दियाँ खूबियाँ दा तस्करा कौन लगा है। आसमान वाले ने ऐलान फरमाया, फरमाया सोने हो असी जनाब ये उस वक्त अल्लाह करीम ने कुरान नाजल, कुरान दी आयत नाजल फरमाई, जिस वक्त अबू जहल कमीना बेईमान ते बदमाश किस्म दा आदमी अल्लाह ते ओदे रसूल दा ना फरमान बंदा, ये जनाब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अल्लाह दी तौहीद सुना रहे ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दा दीन सुना रहे ने, ये अबू जहल कमीना बोलिया मेरे नबी कुरान दियां आयतां पढ़ पढ़ के सुना रहे ने ना, लोगों नू मुसलमान फरमा रहे ने, लोग दीन दी तरफ रागिब होंदे चले जा रहे ने, दीन फैलदा चला जा रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम अलैहिस्सलातुस्सलाम अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुना रहे ने। इधरों अबू जहल कमीना हसद दा भरिया होया, इवें जनाब बोलदा है ना, कहंदा है मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मुहम्मद तू सानू इस वास्ते जनाब बुलाना है ना कि दीन नू जनाब सुनाना है, इको खुदा दी दावत देना है ना, इको जनाब दीन दी दावत देना है ना, साढ़े दीना नू जनाब तो इवें जनाब जुठला देना है ना, अपने दीन नू सानू सुनाना है। अल्लाह 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 ते नाल आंदा है तो असी तेरा दीन नहीं मनदे, असी तेरे दीन दी इनकारी करने आ, तू आख अपने रब नू साढ़े ते अजाब नाजल कर दे। इवें आसमान की तरफ मुँह कर लैंदा है, कहंदा जनाब कहंदा अल्लाह अगर जनाब ये तेरा नबी सानू जनाब इवें आयतां पढ़ के सुनांदा है ना, सानू जनाब आए रोज इकट्ठिया कर लैंदा है, सानू इवें जनाब तरह तरह दियां बातां सुनांदा है ना, आए रोज अल्लाह की दावत देंदा है ना, इको खुदा की दावत देंदा है। नहीं मन लिया सी इनू जनाब, असी इहदे ते ईमान नहीं लियाने ना, अगर अल्लाह सोने तू जनाब साढ़े ते फिर अजाब मुसलत कर दे, अपने पत्थरों का अजाब दे, अपने जनाब इवें अजाब अंदर सानू मुबतला कर ले। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इवें जनाब खामोश ने ना, आसमान वाले ने आसमान तो जवाब दिता, क्योंकि मेरे नबी किसी दिया कौड़ियाँ कसीलियाँ गल्ला दे जवाब नहीं देंदे ने ना, वल्दे नहीं देंदे ने। अगर मेरे नबी वल्दे दे ते मेरे नबी नू रहमत लिल आलमीन कौन आखे। मेरे नबी खामोश ने ना, इधर आसमान तू कुरान नाज़िल होया, अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअद्दिबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाह मुअद्दिबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया ओ अबू जाला कमीनिया, तेरिया गल्लां तेरे कोल ही रहन गईयां, तेरे तक ही महदूद रहन गईयां, तू नहीं जानदा साडा प्यारा नबी साडा सोहना नबी मेरा जनाब सारी कायनात दी चमनस्तान सारी कायनात दी कली खुशबू मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियां दा लाड़ा ते इमाम मेरा मुहम्मद। जब तक दुनिया दे अंदर इवें जिंदा रहेगा ना कायम रहेगा ना मेरा नबी, जब तक जनाब दुनिया दी जिंदगी बसर करेगा ना उदो तक मैं अल्लाह अपने अजाबा नू रोक रखांगा, मैं उदो तक आसमाना तो अजाब नहीं देवांगा, मैं उदो तक जनाब अपने अजाबा नू इवें बंद करके रखांगा ना। और दूसरा जनाब हजरत अनस रदी अल्लाह तआला रदी अल्लाह तआला तो रिवायत है, हजरत अनस फरमा देने ना मैं अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जवाब सुनया, मेरे सोने मुस्तफा ने फरमाया दो चीज़ा नाल ईमान वालिया वास्ते अल्लाह ने पना रख छड़ी, दो चीज़ा अंदर पना रखी है ना, वो केड़िया केड़िया चीज़ा ने, एक ते मेरे और तुहाड़े प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा रहे जिन्ना लोगों के अंदर मौजूद रहे, बड़िया बड़िया गुस्ताखियां ते ना फरमानियां कीतियां, बड़ा बड़ा जनाब मेरे नबी नू तंग किया गया, बहुत ज़्यादा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां ना फरमानियां होईयां, लेकिन अजाब नहीं आया। ये खसूसी ते मेरे मुस्तफा दी ए खूबी है मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। अजाब क्यों नहीं आया, अल्लाह ने मेरे महबूब दे हुंदे अजाबा नू रोक रखे है ना। दूसरी केड़ी खूबी है ना, दूसरी केड़ी चीज है जेदे नाल अल्लाह दे अजाब टल जांदे ने, ओ वे के वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। दूसरी चीज अल्लाह दे अजाबा नू जड़ी टालने वाली अल्लाह दे अजाबा नू रोकने वाली ओ इस्तग़फार है,
استغفار کرنے والی قوم اللہ دے عذاباں نو روک دیندی ہے، توبہ تے استغفار کرنے والے لوگ اللہ دے غصے نو جناب ٹھنڈیا کر دیندے نے، توبہ تے استغفار کرنے والے لوگ اپنے رب دی ناراضگی نو دور کر دیندے نے، توبہ تے استغفار کرنے والے لوگ اپنے رب نو منا لیندے نے، اپنے رب کول معافیاں منگدے نے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں نو جناب میری قوم دو چیزاں نال پناہ دے اندر جناب آ جائے گی، ایک تے جدو تک میں محمد قائم ہاں، جدو تک میں محمد زندہ ہاں ادو تک اللہ دے عذاب نہیں آن گے اس دھرتی تے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جڑی قوم استغفار کر دے رہے گی، استغفر اللہ کدھر جناب، اللہ اکبر، اللہ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی طرح جڑی قوم توبہ طائب ہندی رہے گی، استغفار کر دی رہے گی، میرا اللہ انہاں نو اپنے عذاباں تو محفوظ فرماندا رہے گا۔ اے جے خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوبیاں میرے مصطفیٰ دیا، آؤ ہن دوسری خوبی توجہ فرمایا جے، اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوئے۔ آسمان والے نے فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اتھے ہی رکھنا اللہ جزا دے وے۔ جی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد جند جیوی او میرا لاڈ محمد، جو انیاں مانے او میرا سردار محمد، جانش زندگی دا دھاگا لمبا ہووی او میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات دا چمنستان او میرا محمد، ساری کائنات دی کلی خوشبو میرا محمد، سارے نبیاں دا سردار میرا محمد، سارے نبیاں دا ایمان تے لاڑا تے لاڈ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا کسے مرد واسطے میرا نبی باپ نہیں ہے نا، کیونکہ میرا نبی میں اپنے مصطفیٰ جیا کسے خور نو بنایا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تسی آکھو گے مولانا دلیل چاہی دیئے، میں نوکر اللہ دی مہربانی نال، میں خادم تیرا اللہ دی توفیق نال، کیونکہ اے اسٹیج ہے لے حدیث دا اسٹیج ہے، ایتھے بات یا عرصہ والے خدا دی یا مدینے والے مصطفیٰ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر میں جناب آکھے آئینا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسے مرد دے باپ نہیں نے، تسی آکھو گے جناب اللہ کریم نے میرے نبی نو اولاداں عطا فرمائیاں، بیٹیاں تے بیٹے عطا فرمائے۔ میں انا سونے ہو، میں دسنا چاہنا لا، میں اپنے مصطفیٰ دی خصوصیتاں دا تذکرہ چھیڑے آئینا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، بیٹیاں میرے نبی دیاں جوان ہویاں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، پروش پائیے میرے مصطفیٰ دی، الغرض میرے نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں جوان ہویاں، پروان چڑیاں نے نا، جوانی دے مراحل نو پہنچیاں نے نا، بیٹے میرے مصطفیٰ دے چھوٹی عمر اندر اللہ نے اپنے کول بلا لے، چھوٹی عمر دے اندر اللہ نے میرے نبی دے بیٹیاں نو کول بلا لے آئینا۔ اے دے اندر بھی میرے رب دیاں بہت بڑیاں حکمتاں نے نا، بہت بڑا جناب اللہ کریم دا ایک جناب بہت بڑی حکمت ہے نا۔ او کس طرح اللہ کریم میرے نبی علیہ السلام دے چھوٹے بیٹے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجے گودی اندر ہی سڑنا، ماں دا دودھ پینے والے بیٹے میرے نبی علیہ السلام دے او جناب گودی اندر ہی اجے عمر اتنی کسی نہ اللہ نے کوٹ بلا لے۔ اسے طرح قاسم طیب طاہر انہاں نوں چھوٹی اندر چھوٹی عمر اندر بلا لیا، کیونکہ اللہ دسنا چاہندے نے او چیچا وطنی دیا باسیا، رب دسنا چاہندے نے کل جناب میرے محمد دا بیٹا جوانی چڑھے، پروان چڑھے، لو
किधे इंजी ना कह दे मुहम्मद दा बेटा मुहम्मद वर्गा। अल्लाह फरमांदे ने असी ये गवारा ही नहीं कर दे के कोई किसे नू आके ए मुहम्मद वर्गा। मैं मुहम्मद वर्गा ते जग अंदर बनाया ही कोई नहीं है ना, मुहम्मद वर्गा ते जग अंदर होर गलाया ही कोई नहीं है ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी ये खसूसियत है ना, अक्सर औलादा दियाँ जनाब शक्लां माँ बाप ते चलिया जांदियां। अल्लाह फरमांदे ने मैनू इस बात ए बारे ही नहीं है कि कोई आखे है मुहम्मद दा बेटा मुहम्मद वर्गा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जे खसूसियत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जे मकाम मुस्तफा, ऐ जे अजमत मुस्तफा, ऐ जे रिफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलकरन मेरे वीर मैं दसना चाहना ना खसूसियत मुस्तफा दा तस्करा छेड़िया है मेरे और तुहाड़े प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। इस आयत के अंदर एक खूबी बयान हुई और दूसरी केड़ी खूबी है, लाल अल्लाह करीम ने फरमाया हुआ खातम नबी। वैसे तो नबी सारे दे सारे आए, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम तो ले करके हजरत ईसा आए, अल्लाहु अकबर अल्लाह बाबे आदम दी औलाद विच सारे नबी आंदे गए जांदे गए ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्हां तो बाद भी अल्लाह दे नबी आए, हजरत नूह आए उन्हां तो बाद भी अल्लाह दे नबी आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए उन्हां तो बाद भी रब दे नबी आए, हजरत यूनस ते यूसुफ आए उन्हां तो बाद भी अल्लाह ने नबी भेजे, हजरत इसहाक याकूब आए अल्लाह ने बाद अंदर भी नबी भेजे, हजरत मूसा ते ईसा आए अल्लाह करीम ने बाद अंदर भी नबी भेजिया। वो नबी केड़ा भेजिया जेड़ा सारे नबियां दा लाड़ा ते इमाम बना के भेजिया। खसूसियत मुस्तफा मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए आए नबूवत दा दरवाजा बंद करके आए। मेरे नबी ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दी मोहर सजा छड़ी, मेरे नबी नू अल्लाह ने खातम नबीन बनाया। हुण अगर कोई नबूवत दा माज अल्लाह दावा करेगा वो कज़्ज़ाब होएगा, लांती कमीना होएगा, झूठा होएगा। ये नहीं कैसी जनाब ओदी जनाब तफसील पूछण लग पैनी है, ओदी तस्दीक शुरू कर देनी है, बल्कि जेड़ा नबूवत ते डाका मारेगा नबूवत ते जनाब हमला करेगा असी उनू पास पास कर देवांगे। लोगों इस चीज ते समझौता नहीं हो सकता, दुनिया इधर दी उधर हो सकती है। लोगों इधर जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह 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 लोगों तवज्जो फरमाया जे, असी अपने बच्चे अपनियां बीवियां और आप हर जनाब सब कुछ अपने पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत मेरे महबूब दी खत्मे नबूवत सब कुछ कुर्बान कीता जा सकता है, लेकिन पाक मुहम्मद दी खत्मे नबूवत किसे डाकू नू डाका नहीं मारन दे। हाँ ऐ जे मेरे नबी दिया खसूसियत मेरे मुस्तफा दिया खसूसियत अल्लाह करीम ने फरमाया मा कान मुहम्मदुल अबा अदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीर व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। ये जे मेरे नबी दिया खसूसियत, ये जे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे खसाइल फजाइल, मेरे नबी दी अजमत दा तस्करा। हुण इधर वेख तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह करीम ने सारे नबी भेजे ने ना, लेकिन उन्हां नबियां कोलों पहले वादा ले आए ना। आओ कुरान दी जनाब कुरान दे हवाले नाल बात करिए, अल्लाह करीम ने उन्हां सारे कोलों मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत ते अजमत दा ते नबूवत दा वादा ले आए। फरमाया वा इज अखद अल्लाहु मी
साकद नबीना लमा तई तुगुम मिल किताबियों हिकमा हम जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल इमामाकुम लतुमिनुन नबी वला तनसुरुन्नहु काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदु व अना माकुम मिनश्शाहिदी। कुरान तेरी अजमत तो कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी और जी जी रब जी। फरमाया अल्लाह अकबर। याद आए मैनू इतने मेरे कायदे मुहतरम, याद आए खतीब इस्लाम, याद आए शहीद इस्लाम हबीबुर रहमान यजदानी शहीद। अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ों रहमता दे नज़ूल फरमा दे। आखिरी जलसे दे अंदर भी मेरे जनाब कादे मोहतरम मेरे अल्लामा हबीबुर रहमान यजदानी शहीद ए वो याता पढ़ रहे सन व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबी व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबी लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वला तनसुरुन्ना काला अकररतुम अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदु व अना माकुम मिनश्शाहिदी। दुआ करो अल्लाह अल्लामा हबीबुर रहमान दी कबर ते करोड़ों दी करोड़ों करोड़ों रहमता दे नज़ूल फरमाए। अल्लाह हू अकबर। मैं अर्ज कर रहा सा अल्लाह ने सारे नबियां कोलों वादा लिया है ए मेरे नबियो जी जी रब जी है। फरमाया जदों तुहानू मैं शरीयतां ता फरमा देवा, मैं तुहानू नबूवतां ता फरमा देवा, तुहाडी नबूवत दा तुहाडी शरीयत दा सिक्का चल रहा होवे। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह अल्लाह तुहानू किताबां ते हिकमतां दराइयां ता फरमा देवा, तुहाडे कोल इक सुन जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फरमाया तुहाडे कोल इक तुहाडी तस्दीक करने वाला मेरा नबी आ जावे, मेरा महबूब आ जावे, जिन्हों मैं शाना ते जनाब अजमता ता फरमा देवा, रिफाता ता फरमा देवा। क्या तुसी ओदी जनाब ओदे ते ईमान ले आओगे, ओदी मदद करो गे। अल्लाहु अकबर। इस सारे दे सारे नबी इवें जनाब कहंदे ने, कहंदे ने जी जी रब जी असी ओदे ते ईमान भी लियावांगे, असी ओदी शान भी बयान करांगे ना, असी ओदी अजमत दा भी जनाब एतराफ करांगे, असी ओदी मदद भी करांगे, ओदी नबूवत नू भी मन्नांगे, ओदी शरीयत नू भी मन्नांगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम ने फिर तस्दीक कर छोड़ी है। फरमाया लोगो तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह करीम ने फरमाया फिर तुसी चीज़ ते गवा रहे आ जे ना, मैं भी तुहाडे अंदर गवावां अंदर शामिल हाँ। फरमाया वा आना वा आना वा आना। अल्लाह करीम अपने आप नूं मुखातिब करके फरमा रहे ने, फरमाया वा आना माकुम मिन शाहिदी। मैं भी तुहाडे अंदर गवाहां अंदर मौजूद हाँ, मैं भी तुहाडे अंदर गवाह बन गया ना। अलगरज मेरे वीरे जे खसूसियत मुस्तफा, यह जे अजमत मुस्तफा। आओ थोड़ा जहा बात नूं अगे चलाइए। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी जई उमर मेरे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, बल्कि जनाब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी छोटी जी उमर मुबारक। अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ आमला दी गोदी दे अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखा खोलिया ने ना। अलगरज बात थोड़ी जी मुख्तसर करिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इवें जनाब उस वक्त का रिवाज होया करता सी अरबा दे अंदर बात जनाब इवें बात वाजब होया करती सी ना अरबा दे अंदर रिवाज होया करता कि जदों बच्चा छोटी जिनी उम्र का दुध पीने वाला बच्चा होंदा उन्हों जनाब मुख्तलफ इलाके दे अंदर इवें बच्चों तरबीयत वास्ते उन्हों की परवरिश वास्ते क्योंकि आबो हवा का फर्क होया करता है इस वास्ते उन्होंने जनाब मुख्तलिफ इलाके अंदर दाइया के थ्रू भेजा जाता दाइया बच्चों दुध पिलादियाँ और दाइया अपने अपने वजीफे लै लेंदियां जनाब उन्होंने अबाव अजदाद को अलगरज उन्हें दाइया आईया ने ना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अजे अपनी वालदा की गोदी अंदर मौजूद ने ना इधरों जनाब दाइया आईया सब तो पहले दाइया आने वाली आईया ने ना इन्हों पता चलिया बच्चा तो मौजूद लेकिन है यतीम बच्चा जरूर है ना मौजूद इस घराने दे अंदर सरदार अब्दुल मुतलिब दे घर अंदर पोतरा है ना लेकिन है यतीम दा बाबा फौत हो गया इन्होंने सानू की देना है ना ते कई कहंदे ने कि दाइया ने वेख्या मेरे नबी नू और जनाब यतीम समझ करके छड़ गईयां ना 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 मैं ना लोगो और लिखन वाले लिख सकते ही नहीं ने पढ़न वाले पढ़ नहीं सकते ने ना कि दाइया ने वेख्या वे ते छड़ के चलिया जान अल्लाह ने मेरे नबी नू शान इतना ज्यादा ता फरमाया हुस्नो जमाल दा मालक बनाया हसीना तो हसीन बनाया है ना मैं फिर क्यों ना इहदा तर्जमा इस तरह करा मुजम्मिल मुद्दसिर ते फुल्लां दा सेहरा मुजम्मिल मुद्दसिर ते फुल्लां दा सेहरा वा सुबहान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा नहीं उत्थे ही रहन दो वा सुबहान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना कर कलम तोड़ दिता अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसने देखिया मेरे नबी दाई हो करके रह गया हुण क्यों इहनू यार छेड़ दिओ इहनू उत्थे ही रहण दिओ जिथे पहले सी क्यों एवें जनाब जोर लवाई जांदे हो पहले जिथे सी ना उत्थे ही इहनू सैट कर दिओ अल्लाह जज़ा देवे अल्लाहु अकबर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां हलीमा सादिया ने वेख्या मेरे नबी दी वो करके रह गई अम्मा हलीमा सादिया आईया आ करके जनाब बाद दे अंदर आईया ने ना इन्हां दी सवारी कमजोर है ना पता चलिया है ना दाइया अपने अपने बच्चे लै करके चलिया गई ने लेकिन कोई यतीम बच्चे मौजूद चलो एदी परवरिश कर लेनी अल्लाह शायद मेरे दिन नहीं फेर देवे कहत पै हो हाँ जी वो जनाब वो की कहंदे ने कि कहत साली दे अयाम बहुत ज्यादा सन हाँ जी भुखा दे वेले सन अल्लाह अकबर गुरबत बहुत ज्यादा छा चुकी सी जिवें अजकल मुल्क दे अंदर जनाब कहत सालियां पै रही ने गरीब खुदकशियां ते उतर आए ने अल्लाह अकबर अल्लाह महंगाई ने कचूंबर कट छड़िया अल्लाह 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 तो अजय साढ़े हुक्मराना के बारे अंदर आने नहीं जी उन्होंने थोड़ा टाइम दे दौ तब्दीली जो ले आ रहा ना गरीबा का सत्यानाश करके गरीबा मार के तब्दीली आ रही है अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह आओ प्यारे ओ तवज्जो फरमाया जे ना 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 सिर्फ इंसाफ कर इंसाफ नाम रखन नाल इंसाफ नहीं होंदा बल्कि इंसाफ होंदा है तराजू दे अंदर तोल करके इंसाफ होंदा है अपने पराए दा ख्याल रखना चाहिए इंसाफ होंदा है जिस तरह के मेरे उमर रदी अल्लाह तआला ने अल्लाह अकबर अल्लाह 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 आप कभी जनाब बोरिया के बिस्तर ते आराम फरमाया कर दे कभी जनाब जमीन ते लेट जाते आराम कर दे अल्लाह 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 लोगों दी चौकियां दारियां कर दे लोगों के माल डंगर का ख्याल रख दे लोगों के घर का ख्याल रख दे अद्धी अद्धी रात तक मेरा उमर गलिया के अंदर गश्त फरमा करके आसमान की तरफ मुँह करके दुआ कर दे अल्लाह उमर ने अपनी सारी जिंदगी आखरी अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी होने के नाते ना अल्लाह अल्लाह जी मैं मोमना दा खादिम उमर हाँ अल्लाह अगर कोई मिस्टेक हो गई तो अल्लाह मैनू उमर नू मुआफ फरमा दे क़यामत वाले दिन मेरे को सवाल ना
जे उमर है जे हुक्मरान है जे लीडर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह कोई कहते ने सानी इमरान अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह बाहर के प्यारे भाइयों मेरा कीचड़ उछालने का मकसद नहीं है। आओ बात सुनिए हजरत हलीमा सादिया ने वेख्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे घर आईया वेख्या ते इंज लगता जिवे कोई दुर्रे यतीम है बच्चा कादा इत जनाब फुलां दा गुलदस्ता है ना। मेरे सोने नबी अलैहिस्सलाम वेख करके आमना कहदिया ने मेरे नबी दी वालदा माजदा ने नी आमना जरा ठहर जावी मैं अपने शौर हारस को इजाजत ले करके आनी हाँ फिर मैं बच्चा ले करके जावगी कहदिया ने जल्दी आओ जनाब जाओ इजाजत ले लो जा करके अपने हारस शौर कहदिया ने कहदिया ने हारस जी बच्चा ते बड़ा बागन वाला लगता है यतीम लेकिन दुर्रे यतीम है ना इतना सोहना बच्चा इतना जनाब मनमोना बच्चा है ना अगर इजाजत फरमाओ तो मैं यतीम बच्चा चुक ले आवा। सरदार आरस कहंदे ने शौर आरस कहंदे ने कहंदे ने हलीमा अगर इतने भागा वाला है इतने बुलंद मकाम वाला इतने नसीबा वाला है फिर क्यों छड़ाई जा छेती नाल ले करके आ। मेरे नबी नू उठांदिया ने कलेजे नाल लगा लैंदिया ने नाल जनाब आमना नू कहंदिया ने नी आमना तैयार कर अपने पुत्र नू तैयार कर अपने बेटे नू मैं ले करके जाना है ना। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत आमिना जनाब मेरे नबी दी वालदा माजदा कदी अपने बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखसारा ते बुसे दे रही ने कदी सुरमेलियां सुरमेलियां कानू चुम रही ने कदी गोरियां गोरियां बाहां ते बुसे दे रही ने कलेजे नाल चिमटा लैंदियां ने कहंदियां ने हलीमा ए मेरा मुहम्मद मेरी कुल कायनात इनू रुआवी ना इनू जनाब बता रुआंदी रुआंदी ना रह जामी मेरा मुहम्मद इत सारी कुल कायनात मेरा दिलबर मुहम्मद है ना। अलगरज हजरत आमना ने तैयार किया है ना हजरत हलीमा सादिया ने बचा चुकया मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू गोदी अंदर लिया अपने शौहर हारस को जांदिया ने असवारी ते सवार होइया इवें जनाब उस वक्त ना पुराने दौर के अंदर ये जनाब अरब के अंदर जो औरतें लैके जा जनाब इस तरह सफर तय कर लेंदिया लेकिन जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी इस तरह किया है ना हुण हारिस अपनी सवारी उठाना चाहता है सवारी उठ नहीं रही है ना चल नहीं रही है। हारिस कहता हलीमा ये इंज लगता है जिवें ना बच्चा जिहड़ा लै करके आई है ना हाँ जी ये इंज लगता कोई गैबी मामला है हाँ जी बच मेरी सवारी इतनी कमजोर जरूर है लेकिन अड़ियल नहीं है ते इस तरह करे ए बच्चा जिहड़ा पिछे मुके च पाया ही ये बच्चा जरा अगे करे ना मेरे को अगे पकड़ा मैं इनू अपनी गोदी अंदर बिठाना वा अल्लाह अकबर अल्लाह मैं गोदी से उठा लेना वा। इतनी गल कर दिया ने हजरत आरस गल करते ने माँ हलीमा सादिया ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू उठाया ते अगे कर दिता अल्लाह 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 इधरों गैबी आवाज आती होगी हारिस इते पिछा दियां गल्लां पिछा ही रह गईयां इते अगे वाला है हाँ जी ये नबियां दा भी इमाम है बलियां दा भी इमाम है फरिश्तियां दा भी इमाम है जिन्नो इंसान दा इमाम है ये सारी कायनात दा इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जनाब अगे वाला है पीछे नहीं बहन वाला अलगरज मेरे नबी अलैहिस्सलाम नु अगे चुके है ना अलगरज सवारी खड़ी हो जाती है तेज काम बन जाती है ना इवें जनाब फराटे मारने शुरू हो गए डाची दौड़ना शुरू कर देंदी है ना दूरों जनाब डाची थूड़ा पुट्टी आँदी है ना दौड़ी जा रही है ना हुण पहले निकलन वालियां दाइयां ये काफिला पहले ही रवा दवा सी ना रस्ते दे अंदर वेख्या हजरत हलीमा सादिया दिडाची तेज तेज दौड़ी जा रही है ना इवें वो पहलियां दाइया ने पिछू वेख्या धूड़ा उड्डन दियां ने मिट्टी उड़ रही है ना कहंदिया ने इंज लगता है जिवें हलीमा है लगदी ते उई है नाल दियां दियां ने नहीं 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 इते हलीमा ही नहीं।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਾ ਲਗਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲੀਮਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਯਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਸੀ ਟੁਰਨ ਤੂੰ ਤੰਗ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਆਈ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੀ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਅਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਖਤੀਬ ਤਬਦੀਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਮਿੰਬਰੋਂ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਲਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਣੀ ਏ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਣੀ ਏ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਏ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਣੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਨੇ ਯਤੀਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹਸੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਖਸੂਸੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹਸੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਨ ਆਮਲਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਮਲਾ ਦਾ ਛੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਨੀ ਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਜਾਨੀ ਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਨੀ ਆ ਲਾਲ ਆਮਲਾ ਦਾ ਚੰਨ ਆਮਲਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਮਲਾ ਦਾ ਛੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਨੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵੀਂ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵੀਂ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਜਾਵੀ ਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਜਾਵੀ ਨੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਅਲਖਰ ਜਨਾਬ ਡਾਚੀ ਦੌੜਾਂਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਪ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਮਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਮਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀਮਾ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਮੌਕਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਛਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਪਿਲਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਛਾਤੀ ਦੁੱਧੋ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋਂਠ ਲਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਂਠ ਲਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧੋ ਦੁੱਧ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਹੋਂਠ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ
हाँ ऐ जे इंसाफ, बहुत बड़ा इंसाफ पसंद है मैनू महसूस होया। कहंदियां ने उन्हें अपने भाई अब्दुल्ला वास्ते हिस्सा छड़ दिता, लोगो मेरे नबी ने माँ की गोद अंदर मैनू तेन सबक दसिया कि लोगो भाई भाई का हिस्सा नहीं खाता, जे भाई भाई का हक नहीं खाना चाहिए। मेरे नबी ने अपनी माँ की गोदी अंदर मैनू तुहानू सबक ते बल सिखाया है कि भाई भाई का हक नहीं खाएगा। अल गरज और दूसरा फरमांदिया ने मैं कभी कम्मा कारा अंदर मशगूल हो जाती तो जनाब मैं अपने बेटे का झूला वेखदी, मेरे बेटे मुहम्मद का झूला अपने आप हिलना शुरू कर देता। पता चलिया मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फरिश्ते आ करके मेरे नबी का झूला झुलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। हुण हजरत शीमा आईया वीरे मुहम्मद नू कलेजे नाल ला लिया ते लंबियां उमरां दियां दुआवां देणियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां दुआवां दा नाम मेरे उस्तादा ने लोरी रखिया। मैनू फोन ते भी बार बार शफीक भाई कारी साहब लोरी लाजमी सुनानी, कारी साहब लोरी लाजमी सुनानी, जे लोरी सुनानी जे वरना क्यामत आन लगी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। उत्थे बैठे हैं बैठक च भी भाई अजहर होरी, शफीक साहब, हाँ जी इस तरह भाई जवेद होरी, हाँ जी और दूसरे इन्हों के दीगर रुफाका, इन्हों के दोस्त रिजवान साहब माशाल्लाह, हाँ जी ये सारे जनाब कारी साहब लोरी लाजमी सुनानी, जे लोरी लाजमी सुनानी। दिन दी लोरी सीमा झूला झूला के देंदी सी लोरी सी माँ, झूला झूला के या रब्बी अब खेलाना मोहम्मद फरमा के, झूला झूलांदी नाले कदी मंगदी दुआवां। अल्लाह 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 अल्लाह। ए देगी नाम लिख दे मेरियां 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 सावां, माणे जवानी लंबी उम्र पाके देंदी सी लोरी सी माँ, झूला झूला के या रब्बी अब खिलाना मोहम्मद फरमा के, देंदी सी लोरी सी माँ। हुण हजरत शीमा अरबी जुबान दे जुमले बोल दिया ने, आंदिया ने आजा अखुली लम तली दुख उम्मी। अरबी जुबान दे जुमले बोल दिया ने, कह दिया ने मेरा ए वीर मैनू वीरा गोदी अंदर उठाया होया है, कह दिया ने मेरा ए वीर मैनू बड़ा ही प्यारा है, भावे न माने जमया पर तावी हमारा है, खिचदी डोरी वीरा कदी झूले विच पाके देंदी सी लोरी सी मां, झूला झूला के वलई समिल असली अभी। कहंदियां ने नस्लों ना चाचे बाबे शक न काई, असी ते तावी जिंदड़ी एदे नल लाई, लुट लई खुदाई प्यार एदे नल पाके देंदी सी लोरी सीमा, झूला झूला के। एवें हजरत शीमा अपने वीरे नू लैंदियां ने घरों बाहर निकलियां ने, इधर आसमान दा सूरज तुलू आंदा है, हजरत शीमा सूरज दे बन्ने तस्बी देंदियां ने ना, कहंदियां की ने ना सूरज दियां लश्का मारे चेहरा मेरे वीर दा, सूरज दियां लश्का मारे सूरज दियां चमका मारे चेहरा मेरे वीर दा। तुसी आखोगे मौलाना जोड़ी लग्या गल नहीं बनी है ना, मेरे उस्तादा ने फिर इत्थे ज़ेहन पलटिया, फिर बात दोबारा की है ना, फरमाने ने जनाब सूरज दी की औकात होवे जो मेरे पाक मुहम्मद दे चेहरे दा मुकाबला करे, सूरज दी की औकात है। फिर जिन पलटिया कहंदे ने जुमले बदले, फरमाते ने सूरज नू ही मात करदा चेहरा मेरे वीर दा, कोई नसानी दिसदा मेरे बदर बुनीर दा, वद्दुहा चेहरा बहनो मेरा ए वीर जे मैनू अताया वीरा मेरे रब्बे कदीर जे, पाया ने धुमा शीमा वीरा
वीरा वीरा फरमा के लाइयान झड़ियाँ कारी है मेरे नबी दी, मेरे नबी दी अजमत दा तस्करा सुना के देंदी सिलोरी सीमा झूला झूला के सीमा दिलोरी तेरे इस कारी सुनाइए मेरे वीरिया ने भाई मोहम्मद शफीक और ने भाई अजहर ते भाई जवेद और रिजवान और ने बार 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 तुसा सारे बार बार सिफारिश फरमाइए ताइयों ते द्वाडे कारी अज लोरी सुनाइए हुण रह जींदे ते फेर कदी सुनावांगे आके दंदी सिलोरी सीमा झूला झूला के अल्लाह को दुआ अल्लाह जो सुनया सुनाया मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।